आज डे थ्री में कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने मान लो कि एक ऐसा है कि जिसमें आप अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में होती है उसमें लिस्ट करके वो एक अंदाजा बता कि इन पे डिपेंड होती है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और सेंसेक्स है जिसमें अपने इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है पर इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे सेंसेक्स है वो और निफ्टी 50 में बहुत अंतर होता है, जैसे कभी निफ्टी 50 ऊपर जा रहा हो तो सेंसेक्स नीचे आ जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस पहला डिफरेंस हम आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बीच में। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है जिसमें HDFC बैंक, महिंद्रा बैंक और महिंद्रा मोटर्स, टाटा सब आ जाते हैं। और जो सेंसेक्स होता है उसमें टॉप 30 कंपनीज होती है इंडिया की अलग अलग सेक्टर की, जैसे बैंक्स हो गए, फिनटेक कंपनियां हो गई, ये आते हैं इसमें। पर इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो कि एक ओनर एक दुकान वाला है, उसके पास 1000 रुपये का सामान है, तो अगर वो है ना मान लो कि बेचने के लिए 1000 का सारा सामान 1000 रुपये का ही बेच रहा है और 1000 रुपये उसकी वैल्यू है, वो आ जाता है निफ्टी 50। पर जैसे सेंसेक्स में हम जाते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो कि एक सेम ही ओनर है पर है ना उसके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये का सामान है, पर वो बेचना सिर्फ 250 का चाहता है और 750 का अपने पास रहेगा। जो सेंसेक्स में जो वैल्यू कंपनी की हम दिखा पाएंगे वो है 250 रुपये, इसलिए जो डिफरेंस आ जाता है ना इन दोनों में तो ये यहाँ आ जाता है। जो 250 रुपये अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट इन्वेस्टमेंट और इसको बोलते हैं नॉट फ्री फ्लोट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में ये है डिफरेंस कि मान लो कि ये वैल्यूएशन में और मार्केट कहाँ ऊपर नीचे जाएगा उसमें डिपेंड कर देते हैं। जैसे आप कई बार देखोगे कि ये काफ़ी टाइम दोनों पैरेलल नहीं चलती, ये अलग अलग चलती है, जिसमें कई बार ये मिसकंसेप्शन हो जाता है। और इस आप मान लो कि एक तरीके का मिरर है पूरे मार्केट, आज कैसे ऊपर जाएगा और कैसे नीचे गया है। Don't panic. Remember, it's just a story about time and price. Now go impress your friends with your new skills. Thanks for watching. Hit that like button if you found this helpful. Catch और जैसे जैसे अगर मान लो वो अपने दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, गुड मटेरियल्स लाएगा और जैसे जैसे उसको प्रॉफिट होगा वैसे वैसे वो भी शेयरिंग देना होगा। जैसे ही आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें करूँ, कैसे ये वर्क करेंगे, कल समझ लीजिए हम कल से जो अपने ये 3 दिन का बेसिक्स खत्म हो गए, कल से हम आपको बताएंगे अपनी स्क्रीन शेयर करके कि हम कैसे स्टॉक शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और कैसे हम निफ्टी 50 सब कुछ क्या है और कैसे इसका सब कुछ चार्ट क्या है वो कल से हम आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। इसके आप हमारे साथ बने रहिए, कल के वीडियो के बाद में हमारा इंतजार कीजिए। हम आपके लिए अच्छी नॉलेज और इजी लैंग्वेज में जितना इसे हो पाएगा उतनी अच्छी लैंग्वेज और उतने अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास आएंगे और जितने हमारे खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो आपके साथ शेयर कर पाएंगे।